नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। ओ बैठो, तुम्हें भी नमस्ते। अरे वाह, ये तरीका बड़ा अच्छा है। पोकोयो ईंटों को उठा रहा है और पेटो उसे जमा रहा है, और इसी तरह मिलजुल कर काम करने से ही काम हो रहा है। ये शानदार है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि पोकोयो और पेटो क्या बना रहे हैं? ये एक किला बना रहे हैं। एक किला। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, तो तुम काम वापस शुरू कर दो, देखना एक अच्छा किला बने। हाँ हाँ, फटाफट। ईश, पर क्या हुआ पोकोयो? ओहो पोकोयो, तुम क्या करने जा रहे हो? बैठो, और ईंट मांग रहा है, पर तुमने तो सभी काम में ले ली, अब क्या करेंगे? ओ पोकोयो, मुझे नहीं लगता ये तरीका सही है। नहीं नहीं पोकोयो। हाँ, पर ये लड़का कहाँ सुनने वाला है। ओ नहीं, किला गिर गया। पोकोयो ये क्या किया तुमने? और बैठो, उसने कितनी मेहनत की थी, अब वो गुस्सा तो होगा। पोकोयो बैठो, एक दूसरे पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है। पेटो को और ईंटें चाहिए थी और पोकोयो इसके लिए सिर्फ मदद कर रहा था। अब मान भी जाओ, दोस्ती कर लो। नहीं। हैं? अब क्या ऐसे करोगे तुम दोनों? लकीर भी खींच ली। ओहो। पोकोयो, पेटो। ओ, क्या अब तुम लोग दीवार भी बनाओगे? ऐसा मत करो, ये बंटवारा मेरे होते नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा। पोकोयो पेटो, बढ़िया, ये आई एली, शायद ये कुछ उलझे हुए मामले को सुलझा सके। अरे पर ये क्या चल रहा है पोकोयो? एली को कहाँ ले जा रहे हो? अरे बैठो, क्या बैली का भी बंटवारा करोगे? हैं? अरे नहीं। ओ देखो पोकोयो, ओह
ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या आप में से कोई पोकोयो और पैटो को बताएगा कि एली इन दोनों से क्या चाहती है? फिर से दोस्त बन जाओ, दोस्त। मुझे लगता है अब पोकोयो और पैटो समझ गए होंगे कि दोस्त बने रहना ज्यादा मजेदार है बजाय गुस्सा रहने के। वाह वाह पोकोयो और पैटो के लिए, बाय बाय। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। अच्छा जी, तुम्हारे पास एकदम नया खिलौना है, ये है क्या पोकोयो? क्या आप में से कोई बता सकता है कि पोकोयो का ये नया खिलौना क्या है? ये जहाज है, ये एक हवाई जहाज है। हाँ बिल्कुल सही, जहाज। ओ, पोकोयो को जहाज वाला खिलौना पसंद है, पर समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। ओ अच्छा, वो दिखाकर बताएगा इस क्यों का जवाब। अरे ये तो उड़ चला। शानदार पोकोयो। अरे अरे बच के एली, ये आया जहाज। वाह, ये तो लौट आया तुम्हारे पास पोकोयो। ये एली कुछ कहना चाहती है। हाँ लगता है एली भी जहाज उड़ाना चाहती है। देखो तो पोकोयो, तुम्हें कितने प्यार से मना रही है एली। हाँ पोकोयो भी मान गया, ये लो एली। क्या तुम जानती हो इसे कैसे उड़ाते हैं एली? ओ अच्छा, तुम जानती हो, बताओ कैसे। सही है, इसे घुमाते रहो, पर ज्यादा मत घुमा देना एली। अरे 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 एली, आराम से, इतना भी नहीं घुमाते। देखो ये कितना ऊपर चला गया। ओह, हमने पोकोयो का जहाज खो दिया। इसे अब हम कैसे ढूंढेंगे जब ये दिख ही नहीं रहा है? एक टेलीस्कोप, क्या कमाल का विचार है पेटो। जब कोई टेलीस्कोप से देखता है तो वो दूर तक की चीज भी देख सकता है। जल्दी पोकोयो, देखो इस टेलीस्कोप से। क्या कुछ दिखा पोकोयो? ओ शायद जहाज उड़कर दूर अंतरिक्ष में चला गया है। अब हम इसे वहां से कैसे ला सकते हैं? ओ पोकोयो तो काफी गुस्सा भी हो गया है अली। ओ हाँ बेशक, वैमूश। वाह शानदार, ये तो जहाज की खोज के साथ साथ अंतरिक्ष की यात्रा भी हो गई। एक तीर दो शिकार। अरे ये तीनों तो किसी और ग्रह पर उतर चुके हैं। ओह ये तो एलियंस हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। पर पोकोयो तो वो है जो कहीं भी खेलने को तैयार है। ये देखो वो एलियंस के साथ भी मजे करने लगा। वाह क्या मजा है। पर तुम्हारे जहाज का क्या हुआ पोकोयो? शायद इन एलियंस को कुछ मालूम हो।
जहाज। लगता है ये लोग आपस में बातचीत करके एरोप्लेन का पता लगा रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ वो रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम वहां तक पहुंच पाओगी पोकोयो, ना ही एली या पेटो। क्या तुम किसी को जानते हो जो वहां तक पहुंच सके पोकोयो? मैं भी नहीं जानता। शायद शायद ऐसा कोई जो खींच सकता हो। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वहां तक पहुंचकर कौन पोकोयो का जहाज ला सकता है? एक एलियन। हाँ सही जवाब। याहू! हमारे नए एलियन दोस्त ने कर दिखाया। वाह वाह! और एली जहाज को फिर उड़ाना चाहती है, पर पोकोयो ने इस बार कहा नहीं। चलो ठीक है पोकोयो, अब अपनी धरती पर वापस चलना चाहिए, है ना? ओ, लगता है एलियंस कुछ कहना चाहते हैं। चलो पार्टी करें। कमाल का आइडिया। येलो नाच गाना और पार्टी शुरू। वैसे जहाज मिलने के साथ में पोकोयो को ये नए दोस्त भी मिल गए हैं। क्या बात है। बाय बाय, फिर मिलेंगे। यहाँ है आप। देखें तो आज हमारे यहाँ क्या बन रहा है। इतनी सुंदर लंबी इमारत बनाने से मजेदार और क्या होगा। हेलो पोकोयो। हाँ, और उसे बनाकर तोड़ना भी। आज किसी दोस्त को बुलाने के लिए बड़ा अच्छा दिन नहीं है पोकोयो? क्या कहते हो? सही कहा पोकोयो। चलो अपने प्यारे दोस्त एली को बुलाया जाए। हैं? ओ, अब समझा। ऐसी उछल कूद और ये तो रही। तो तुम एली की नकल कर रहे हो। वैसे मुझे लगता है तुमने जो अपने दोस्त के आने से पहले सब कुछ फैला दिया है, क्यों ना उसे समेट कर रूम को साफ कर लिया जाए। क्या हुआ, सफाई करना पसंद नहीं? अरे देखो एक झाड़ू। ये एक जादुई झाड़ू भी हो सकती है। झाड़ू। ये तो हमारे काफी काम आ सकती है ना पोकोयो? पर क्या तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आता है? पोकोयो, मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है ना? अरे कहाँ चल दिए? पर क्या तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आता है? क्या बात है पोकोयो। वैसे इस्तेमाल का ये तरीका तो मैंने नहीं सोचा था, पर मानना पड़ेगा ये मजेदार तो लग रहा है। क्या आप लोगों को पता है पोकोयो की झाड़ू क्या बन गई है? एक घोड़ा। बिल्कुल सही, पोकोयो की जादुई झाड़ू बनी है एक घोड़ा। प्यारा न्यारा पोकोयो। हाँ हाँ मैं समझ गया, घुड़सवार पोकोयो। बहुत अच्छे। हाँ जी बहुत बढ़िया। पर असल में अब क्या? वाह, ये आया हमारा जांबाज खिलाड़ी। तो अब तुम खेल रहे हो आइस हॉकी, और ये झाड़ू है तुम्हारी हॉकी स्टिक। मेरा भी बचपन से ये पसंदीदा खेल रहा है। निशाना तैयार। पोकोयो ने शॉट मारा और ये शानदार गोल। पोकोयो पोकोयो, ये बहुत ही शानदार था पोकोयो। पर अरे अरे सुनो तो। ओ हाँ भाई वाह,
क्या आप में से कोई बता सकता है पोकोयो की ये जादुई झाड़ू अब क्या बन गई है? तालियां तालियां, पोकोयो द रॉक स्टार। वाह, ये तो वाकई काबिले तारीफ था। और वो जो तुम इधर उधर कूदे भागे, यहाँ वहाँ डांस किया और सब ब्लॉक्स जोश जोश में गिर गए, यूं ही आखिरकार तुम बैठ गए। ये थोड़ी अटपटी बात है। मैं सोचता था झाड़ू जगह को साफ सुथरा बनाती हैं, मगर इससे मुझे याद आया, शायद हम किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, है ना? ओह हाँ, याद आया। कोई तो यहाँ खेलने आने वाला था। अब वो कौन था? क्या कोई पोकोयो को बता सकता है कौन आने वाला है? बिल्कुल सही, एली यहाँ कभी भी आ सकती है। हमें घर की सफाई करनी होगी, वो भी जल्दी। मैंने कहा हमें एली के आने से पहले सफाई करनी होगी। अब शांत हो जाओ पोकोयो, एक मिनट सोच के देखो। पोकोयो माफ करना, पर ये अभी वक्त नहीं है। ओ समझ गया। पोकोयो अपने घोड़े और अपनी हॉकी स्टिक और शोरदार गिटार की मदद से सफाई कर रहा है। क्या गजब की सोच है, कितनी झटपट से सफाई भी हो गई। पोकोयो के लिए तालियां। मजे मजे में करो तो सफाई कितनी फटाफट हो जाती है ना पोकोयो? और एली के आने से पहले आज का दिन पोकोयो के लिए काफी रोमांचक रहा, जिसमें ये सीखने को मिला कि जरा सी सूझबूझ के साथ सफाई करना मजेदार हो जाता है। और ये देखकर लगता है अभी तो और मजे करने हैं। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। तो बताओ आज तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है? हा? क्या तुम्हें पोकोयो? पोकोयो, ओहो कहाँ गया पोकोयो? क्या आप मेरे साथ उसे ढूंढेंगे? दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। हेलो। ये क्या था? क्या आपने पोकोयो को देखा? क्या कोई बताएगा कि पोकोयो कहाँ है? वो कहाँ है? हाँ ये रहा अपना पोकोयो। अरे लेकिन आज उसे ये क्या शरारत सूझी? पोकोयो सामने तो आओ। क्या ये कोई डांस दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये कैसे इशारे हैं? पर जो भी हो अच्छा लग रहा है। हेलो। ओह अच्छा लगा ये जानकर कि तुम यहीं हो। तो पोकोयो तुम आज क्या करना चाहते हो? खेलना। अरे वाह क्या आइडिया है, बहुत खूब। खेलना मजेदार रहेगा, पर हम खेलेंगे क्या? ओह याद आया, तुमको कैसे खेलना पसंद है? पोकोयो, पोकोयो, ओहो अब ये फिर से कहाँ गया? ओह अच्छा जी,
कहीं यहाँ तो नहीं, पर दिख तो नहीं रहा। वो एक मिनट जरा रुकिए, वो क्या है? पोकोयो क्या वो तुम हो? वो बहुत दूर है, बताना मुश्किल है। हो सकता है वो पोकोयो हो, बेहतर होगा थोड़ा करीब जाकर देखा जाए। क्या ये आपको पोकोयो की तरह दिख रहा है? नहीं। ओ नहीं, पोकोयो ना हरा है ना कांटेदार है, शायद ये कैक्टस है। क्या आपने पोकोयो को कहीं देखा है, इधर या फिर उधर? क्या आपने उसे देखा है? वो कहाँ है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है पोकोयो कहाँ है? वो वहाँ है। हेलो। ओ तुम यहाँ हो, चश्मा अच्छा लग रहा है। अब ये बताओ तुम खेलना क्या चाहते हो? पोकोयो वापस आओ पोकोयो। ओह, इस बार पोकोयो कहाँ चला गया? वो ना तो इस तरफ है और ना ही उस तरफ है, आखिर वो चला कहाँ गया? अरे वाह, ये तो कमाल है, पर ये है क्या? एक मछली। हाँ, ये प्यारी सी मछली है। तो अब कोई बता सकता है हम हैं कहाँ पर? समुद्र में। बिल्कुल सही, हम समुद्र में हैं। शायद पोकोयो भी अंदर मछलियों के साथ ही होगा। एक मिनट, उस मछली के तो हाथ हैं। मछलियों के हाथ होते हैं क्या? नहीं। तुम मछली नहीं हो, तुम पोकोयो हो। हेलो। अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है तो मैं तुमसे पूछ रहा था तुम खेलना कैसे चाहते हो। ओह, अब ये कहां चला गया? ये जंगल और ये फूल कितने सुंदर है ना, पर मुझे तो यहाँ पोकोयो नहीं दिख रहा है। क्या आपको दिखा? क्या आपको पोकोयो दिख गया? क्या आप में से कोई बताएगा पोकोयो कहां है? ओ, बिल्कुल सही, फूलों के पांव नहीं होते। हेलो। नमस्ते पोकोयो, तुमने छुपने में कमाल कर दिया, बहुत अच्छे पोकोयो। हाँ, तो मेरे पास एक बढ़िया खेल खेलने की तरकीब है, क्या तुम खेलना चाहोगे? छुपन छुपाई। ओह, क्या बात है, अभी तक यही तो हम साथ में खेल रहे थे। पर हम तो खेलने वाले हैं, तुम बैठ क्यों गए? पोकोयो इतना ज्यादा खेल लिया है कि अब वो सोने लगा है। अच्छे से सोना पोकोयो, फिर मिलेंगे, बाय बाय। देखो तो, पोकोयो, पेटो और एली इमारत बना रहे हैं। बारी बारी से ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख रहे हैं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। लगता है ये गिरने वाला है। बच गए, माफ करना। वाह, इसकी लंबाई तो देखो। बहुत खूब पोकोयो। अब बैठो, तुम्हारी बारी। क्या बात बैठो, क्या तरकीब है। पोकोयो की बारी हो गई, बैठो की बारी भी हो गई, तो अब किसकी बारी बची है?
क्या तुम में से कोई पोकोयो को बताएगा अब किसकी बारी है? एली, अब एली की बारी है। एली इतनी खुश। वाह एली वाह। अरे नहीं, हे भगवान, ये तो काफी बड़ी छींक थी, है ना? ये हुई ना बात, चलो इमारत को फिर से बनाते हैं। तो अब पहली बारी है बैठो की। बहुत बढ़िया बैठो, अब बारी है एली की। ध्यान से एली, गिराना नहीं। एली, अरे बाबा रे, नहीं नहीं, लगता है एली पेड़ से छींकने वाली है। अरे नहीं। ओ बैटो को तो गुस्सा आ गया। चलो कोई नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर चलें, अब बैटो। बैटो एली को दिखा रहा है कि ये कैसे करना है। अरे ये तुमने क्या किया एली? बैटो, बैटो। आखिर ये बैटो कहाँ गया? क्या तुम्हें दिख रहा है पोकोयो? बैटो। तुमने ढूंढ निकाला उसे, बहुत अच्छे। वाह मेरे मेहनती दोस्तों, फिर से कोशिश, ये हुई ना बात। तुम्हारी बारी बैठो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हे भगवान, बेचारा बैठो, क्या तुम ठीक हो बैठो? ओ बैठो, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? पर बैठो, एली जान करके तो नहीं छींक रही है। इंसान और हाथी अपनी छींक पर काबू नहीं रख पाते हैं, ये कभी कभी आ ही जाती है। लगता है पोकोयो मदद करना चाह रहा है, ये बहुत अच्छी बात है पोकोयो। मुझे नहीं लगता एली की तबीयत कुछ ठीक है, तो शायद एली अभी खेलना नहीं चाह रही। वैसे सोचो तो कि अगर ये सही नहीं है तो इसे कहाँ होना चाहिए? क्या आप में से कोई बताएगा कि एली को ठीक होने कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल सही, एली को बिस्तर में जाना चाहिए। अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम्हें बिस्तर पर आराम करना चाहिए। शायद अगर एली थोड़ी सी नींद ले ले तो वो बेहतर महसूस करेगी। बाय बाय। बिल्कुल, अब तुम अपनी इमारत बना सकते हो बिना किसी छींक के डर के। ओहो, लगता है एली की सर्दी पेटो को भी लग गई। संभल के पोकोयो, कहीं तुम्हें भी ना लग जाए। चलो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी ही।